मैं जाहिद फारूक, सोशल एक्टिविस्ट। आज इस अहम मौका पर मैं UC 9 में नॉर्थ नाजामबाद पहाड़गंज की ये जो UC है, इसके लिए हुमायूं वकास और गुलफराज खान समेत पूरा जो पैनल है उनकी हमायत का ऐलान करता हूँ। ये हमायत इसलिए भी ज़रूरी हो गई है कि हमारा शुरू से मौक़िफ रहा कि वो आबादियाँ जहाँ बड़ी तादाद में अक़लियत रहती है, वहाँ पे वार्ड काउंसलर या कम से कम वाइस चेयरमैन ज़रूर अक़लियत से लिया जाए। लेकिन हमारी इस बात तवज्जो दिलाने के बावजूद नज़रअंदाज किया गया, किसी मशावरत में भी शामिल नहीं किया गया। अब वो दौर नहीं कि लोग एक बड़ी कम्युनिटी से मुतल्लक फ़ैसला अपने उताक में डेरे में बैठ के करें। अब मशावरत का मुतालबा हम करते रहे हैं, ये मुतालबा भी करते रहे हैं कि वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए, अपने दरमियान में से अपने जैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, जो काबिल हो उसको वोट देना चाहिए, जो आपके मसाइल को समझता है उसको वोट देना चाहिए, जिसकी जिद्दोजहद आपके साथ है उसको वोट देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हुमायूं वकास ने ना सिर्फ अब बल्कि हमेशा कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बात की, ना सिर्फ बात की अमली तौर पे उसके लिए इकदाम भी किए। आज हमें ज़रूरत है हुमायूं वकास समेत दूसरे इलाकों में जहाँ पे मुनासब तादाद में मसीही दोस्त या हिंदू दोस्त रहते हैं, उन आबादियों में जहाँ पे हमें एहतराम दिया गया है, जिस भी पार्टी ने टिकट दी है, मशावरत में शामिल किया है, उस पार्टी के साथ आप ज़रूर तावन करें, वोट ज़रूर कास्ट करें, अपने वोट की कदर को पहचानें। आज मौका है कि आइंदा 4 साल के लिए आपको फ़ैसला करना है, आपकी क़यादत कैसी होनी चाहिए, आपके दरमियान में से होनी चाहिए, जिसके साथ आपका राबता हो वो होनी चाहिए, जो आपकी बात को सुने समझे आपकी बात को आगे करे वो क़यादत होनी चाहिए, या जहाँ पे जाते हुए 2-4 बार आप सोचें वो होनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून ने UC 9 पहाड़गंज नॉर्थ नाजामबाद ज़िला बस्ती में फ़ैसला किया है, ये एक मुनासिब पैनल है, इस पैनल को सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी ज़ुबान बोलता हो, किसी का मज़हब कुछ भी हो, उसका एक तल्लक आबादी के मसाइल से जुड़ा हुआ है। उन मसाइल के हल के लिए हम चाहेंगे कि हुमायूं की सपोर्ट की जाए। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.